नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय टेलीविजन की प्रसिद्ध अभिनेत्री कविता चौधरी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कविता चौधरी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और लेखिका थी, जो दूरदर्शन श्रृंखला उड़ान में आईपीएस अधिकारी कल्याणी सिंह के किरदार के लिए बेहद प्रसिद्ध थी। कविता चौधरी पुलिस अधिकारी कंचन चौधरी भट्टाचार्य की छोटी बहन थी। कविता चौधरी का जन्म 25 जुलाई 1957 को भारत में हुआ। कविता चौधरी के पिता का नाम मदन मोहन चौधरी था। कविता चौधरी की माता का नाम लीला देवी। इनकी एक बहन थी जिनका नाम कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जिनका निधन 26 अगस्त 2019 को हो गया। कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत में आईपीएस अधिकारी बनने वाली दूसरी महिला थी और किसी राज्य की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। कविता चौधरी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक थी। वो हिंदी टेलीविजन श्रृंखला में अपने काम के लिए जानी जाती है। कविता चौधरी ने नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सतीश कौशिक, अनुपम खेर, गोविंद नामदेव और अनंग देसाई के साथ एक ही बैच में पढ़ाई की। टीवी श्रृंखला अपराधी कौन से अपनी शुरुआत करने के बाद 1986 में वो उसी वर्ष टीवी श्रृंखला राज से स्वराज्य में दिखाई दी। कविता चौधरी टीवी श्रृंखला उड़ान, जो कि 1989 से लेके 1991 में आया, इसमें आईपीएस अधिकारी कल्याणी सिंह की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हुई, जिसे चैनल डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था। अभिनय के अलावा उन्होंने टीवी श्रृंखला का लेखन, निर्माण और निर्देशन भी किया। टीवी सीरीज की कहानी कविता की बड़ी बहन कंचन चौधरी भट्टाचार्य के जीवन पर आधारित थी, जो भारत में आईपीएस अधिकारी बनने वाली दूसरी महिला थी। कविता चौधरी ने एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि उनका टीवी सीरीज उड़ान को एक बार बीच में ही रोकने की योजना बनाई गई थी। हालांकि बाद में उन्हें गृह मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव से पता चला कि टीवी श्रृंखला के प्रसारण के बाद भारतीय सिविल सेवाओं में महिलाओं की भर्ती बढ़ गई थी। बाद में उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री ने टीवी श्रृंखला को जारी रखने की मंजूरी दे दी। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में वो HUL द्वारा निर्मित सर्फ डिटर्जेंट टेलीविजन विज्ञापन में प्रतिष्ठित गृहिणी चरित्र ललिता जी के रूप में एक घरेलू नाम बन गई। कविता चौधरी ललिता जी के रूप में उनके किरदार ने उस युग में देश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम किया। कविता चौधरी इस एड से मशहूर हो गई। 1990 में उन्होंने फिल्म एक और सुहागन में काम किया। टीवी श्रृंखला योर ऑनर 2000 में कौशल्या के रूप में दिखाई दी, जिसे डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टीवी श्रृंखला के लिए निर्देशक और निर्माण के रूप में भी काम किया। कविता चौधरी ने 2014 में अपना यूट्यूब चैनल कविता चौधरी शुरू किया। चैनल पर उन्होंने ब्लॉग अपलोड किया, जहां उन्होंने अपने टीवी शो उड़ान से जुड़ी अपनी यादों और अनुभव को साझा किया। 2024 तक उनके चैनल में 2.17 के से अधिक ग्राहक थे। 2015 में उन्होंने अपराधी धारावाहिक टीवी शो में आईपीएस डायरी की एंकरिंग की, जो चैनल डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ। कविता चौधरी ने राम कपूर और साक्षी तन्वर अभिनीत वेब श्रृंखला कर ले तू भी मोहब्बत 2017 में बीजी की भूमिका निभाई थी। प्रारंभ में श्रृंखला को ओटीटी प्लेटफॉर्म
बालाजी और Z5 पर स्ट्रीम किया गया था और 2020 में श्रृंखला टीवी चैनल GTV पर प्रसारित किया गया। कविता चौधरी ने पागलखाना नाटक में एक थिएटर कलाकार के रूप में काम किया जिसका निर्देशन एलिक पदमसी ने किया था। कविता चौधरी जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए बड़े पैमाने पर दान किया करते थे। कविता चौधरी की 15 फरवरी 2024 को अमृतसर के पार्वती देवी अस्पताल में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कविता चौधरी के किए हुए काम 1981 से लेकर 1982 तक अपराधी कौन, ये एक धारावाहिक था। इसके अलावा उन्होंने 1979 से लेकर 1991 तक उड़ान, इसमें वो IPS अधिकारी कल्याणी सिंह की भूमिका में थी और ये DD नेशनल पर प्रसारित हुआ था। सन 2000 में जज साहब DD नेशनल पर प्रसारित हुआ यह और 2015 में IPS डायरीज, इसमें उन्होंने एंकरिंग की थी जो कि DD नेशनल से प्रसारित हुआ था। दोस्तों एक बार कविता चौधरी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। कविता चौधरी का जन्म 1957 को भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 15 फरवरी 2024 को अमृतसर पंजाब भारत में हुई। ये प्रसिद्ध अभिनेत्री निर्देशक निर्माता लेखिका थी। इन्होंने 1981 से लेकर 2024 तक लगातार काम किया। इनकी बहन का नाम कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।